हिमाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा के भवन के मुख्य द्वार पर खालिस्तान के झंडे लगने का मामला सामने आया है। वहां के स्थानीय लोगों ने सुबह जब विधानसभा के मुख्य द्वार पर खालिस्तान का झंडा लगा देखा, जिसके बाद पुलिस को इसके बारे में सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और झंडे को वहां से हटाया गया। बता दें कि विधानसभा भवन के मुख्य द्वार पर खालिस्तान के झंडे के अलावा दीवार पर भी खालिस्तान लिख दिया गया था, जिसे बाद में पुलिस ने मिटा दिया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खालिस्तान के झंडे और लिखने वालों की पहचान की कोशिश करेगी। इस मामले के बारे में कांगड़ा के एसपी खुशाल शर्मा ने कहा, विधानसभा भवन के मुख्य द्वार पर खालिस्तान के झंडे देर रात या फिर सुबह सुबह लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये पंजाब से आए कुछ पर्यटकों की हरकत हो सकती है। अधिकारी ने कहा, हमने विधानसभा गेट से ये झंडे हटा दिए हैं और इस मामले में केस दर्ज करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में कुछ पर्यटकों द्वारा खालिस्तानी झंडे लेकर चलने का मामला सामने आया था, जिसके बाद हिमाचल पुलिस ने उन सभी पर्यटकों के चालान करना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद पंजाब में पर्यटकों द्वारा इसका विरोध दर्ज किया गया था और कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने हिमाचल से पंजाब जाने वाली गाड़ियों को रोकने के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकियां भी दी थी। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को धमकी भरे पत्र मिलते रहे हैं। बताते चलें कि सिख फॉर जस्टिस संगठन के चीफ गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने हिमाचल के सीएम को खत लिखते हुए खालिस्तानी झंडे लगाने की धमकी दी थी। पन्नू ने खत में धमकी देते हुए कहा था कि वह शिमला में जरनैल सिंह भिंडरावाले और खालिस्तान का झंडा फहराएगा। देश में पहले पटियाला में खालिस्तानी विरोध और अब हिमाचल प्रदेश में खालिस्तानी झंडे लगाना कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।